जिसे सीता कहते हैं, जिसे गोविंद की लीला में राधा का नाम दिया जाता है, जो शिव की लीला में उनकी अर्धांगिनी शिवा है, वही चिति है। वही पराचिति ही स्वेच्छया सहितो विश्वम उन्मीलयत, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपने ही भित्ति पर, भित्ति यानी आप दीवार समझ सकते हैं, जैसे पूरी की पूरी फिल्म आप एक पर्दे पर देखते हैं, ऐसे ही भगवती अपने माया के पर्दे पर ये पूरा का पूरा विश्व प्रपंच दिखा रही है, और हमें प्रतीत हो रहा है कि ये सब सही काम हो रहा है, नॉट एट ऑल, ये सब केवल विश्व प्रपंच जो है, ये पूरा विश्व प्रपंच केवल और केवल नाट्य है। अगर किसी फिल्म को आप हकीकत समझ लेंगे तो उस फिल्म के दुख के सीन के साथ दुखी होंगे और सुख के सीन के साथ सुखी महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप में ये बोध बना हुआ हो कि हाँ ये आप फिल्म ही देख रहे हैं, तो पीड़ा का अनुभव आपको नहीं होगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जगा हुआ है, जगने का तात्पर्य आप सभी लोग जगे हैं कि सोए हैं? सोए हैं? अरे बाप रे, तो हम फालतू सुना रहे हैं। हाँ, चेतना की हमारे भीतर कमी है। चेतना का तात्पर्य ही है, ये सब एक जैसे ज्ञान, हम लोग जो समझते हैं ना कि हमें इसका ज्ञान हो गया, वो ज्ञान नहीं होता, वो परिचय है। वो क्या है? परिचय है। एक नया फिल्म, एक नई पिक्चर, एक नई फोटो हमारे इस मस्तिष्क पटल पर आकर के अंकित हो जाती है, बस इतने को ही हम ज्ञान समझते हैं। जबकि ज्ञान क्या है? ज्ञान है अपने आप को पूर्ण रूपेण पहचानना, सेल्फ रिकग्निशन, स्वयं अपने आप को जान लेना। जानने का तात्पर्य यहां पहचानने से है। पहचानने का तात्पर्य इसी को भगवद गीता में स्मृति कहते हैं, क्रोधात बोधि सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विप्रभा। क्रोध से क्या उत्पन्न होगा? मोह। होता क्या है? ये पूरी एक सीरीज है। कैसी सीरीज है? ये सीरीज है ध्यायते विषयान् पुंसः। जब आप किसी विषय का पड़ोस में कार आई और उसकी कार आपको अच्छी लगी, अब बस काम शुरू हो गया वहीं से। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे आप ट्रैक चेंज कर देते हैं, कैसे मनुष्य, कैसे जीवात्मा ट्रैक चेंज करके जड़ता की ओर जाता है, इसकी सीरीज भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं। और इसी सीरीज को कल के उसमें भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता को समझाया। क्या माँ? ये पूरा का पूरा संसार जड़ है, लेकिन धन्य है माया, ये हमें चेतनवत प्रतीत करवाती है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूप जायते। जब आप किसी विषय का चिंतन करते हैं, विषय यानी भोग की सामग्री का चिंतन करते हैं, तो आप उसके प्रति अटैचमेंट महसूस करने लगते हैं। यू फील अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यायते विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूप जायते। अब संस्कृत और उसका अर्थ बताऊंगा तो मतलब समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट आता हूं उदाहरण पर। पड़ोसी ने कार खरीदी, आपको जम गई कार। अब कार अगर आपको जम गई तो अभी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मन ही मन सोचा बड़ी अच्छी कार। अच्छी कार का मतलब क्या है? अच्छी कार है, आपने कंग्रेचुलेट किया कि हाँ बहुत बधाई, बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी, खत्म हो गया मामला। अब क्या हो रहा है? इतने पर नहीं, एक तो ये हो रहा है कि इसके पास आप पैसे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। अब उसका चिंतन प्रारंभ होगा,
तो ध्यायते विषयान पुरुषः, वो कार रूपी जो विषय है उसको पुरुष यानी आपके भीतर बैठी हुई जीव आत्मा लगातार चिंतन कर रही है। अब थोड़े समय बाद लगने लगेगा कि ये तो मेरे पास होनी ही चाहिए। अब वो क्या बन गई? आपकी कामना। ध्यायते विषयान पुरुषः संगस्तेषु को जायते, उसके प्रति राग हो गया। क्या हो गया? राग, संग हो गया। संग यानी राग। संगस्तेषु जायते, अब संगात संजायते कामः, जैसे ही संग होगा, आसक्ति होगी, उसकी कामना उत्पन्न हो जाएगी कि ये मेरे पास होनी चाहिए। संगात संजायते कामः, और कामात क्रोधो भी जायते। अब पता चला कि आपके पास बैंक में पैसा तो है ही नहीं, तो अब वो आए कैसे? पता चला कि पापा से पूछा, पापा कार लेनी थी, डांट दिए। अब वो धीरे से हल्का सा क्रोध बढ़ा, गए आप अपने से प्रयास करने के लिए, फाइनेंस को मना कर दिया, और थोड़ा सा क्रोध बढ़ा। ठीक है, अब मन में चल रहा है वो, और एक बार मुझसे निकला कि चाय ले आओ, और 5 मिनट बीता कि नहीं, आपको 50 मिनट लगेगा कि 50 मिनट बीत गया, मांगे अभी तक आया नहीं, क्रोध से एकदम है क्या? वो मामला कहीं और से चल रहा है, अब क्रोध उत्पन्न हो रहा है किसी और चीज पर। ठीक है, क्रोधात भवति सम्मोहः, और अगर क्रोध उत्पन्न हुआ तो बच्चा है कि बूढ़ा है कि माता है कि पिता है, गुरु है, कौन है, ये आप पहचानना छोड़ देते हैं भयंकर क्रोध में आकर के, तो उसको क्या कहते हैं? क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह उत्पन्न, मोह यानी मूढ़ता, मोह माने मूढ़ता। अब ना आपको परिचय समझ में आ रहा है कि हम माँ को गाली दे रहे हैं, माँ के ऊपर गुस्सा रहे हैं, पिता के ऊपर गुस्सा रहे हैं, बड़े भाई के ऊपर गुस्सा रहे हैं, या छोटे बच्चे के ऊपर, लेकिन वो आ जाएगा। क्रोधात होते सम्मोहन, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और अगर सम्मोह हो गया, मोह हो गया, तो स्मृति का लोप हो जाता है। कौन सी स्मृति का? क्रोध से दोनों स्मृतियां विलुप्त हो जाती है। जो ज्यादा व्यक्ति क्रोध करने लगता है उसकी लौकिक स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। ठीक है, और एक एक जनरल चिकित्सा की बात बता दूं, जिसको क्रोध ज्यादा आता है उसका पेट खराब रहने लगता है, और जिसका पेट खराब रहने लगता है उसको क्रोध और ज्यादा आता है। ठीक है, कभी 2-4 दिन गुस्सा करके या ऊटपटांग की चीजें खा करके देखिए, आजमाइएगा प्रैक्टिकल, वो विज्ञान आओ करके सीखे हम लोग पढ़ते थे ना, तो इसको करके देखिए। पेट खराब होगा, पेट यानी अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सारी चीजें खराब है तो क्रोध अधिक आएगा। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, काल्पनिक नहीं, ये चिकित्सा विज्ञान है, जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, उसको आप पढ़ करके देखिए। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विक्रमः, एक तो लौकिक स्मृति कि आपने कोई विषय पढ़ा हुआ है वो भूलने लगेगा, लोग अरे इसको कहीं देखा हूं, देखा हूं, अरे हाँ हाँ, क्यों है यही पर मस्तिष्क में ही, लेकिन मस्तिष्क में होने के बावजूद आप पहुंच कर उस जगह पर डिकोड नहीं कर पा रहे कि वो पहचान में आ जाए, लौकिक स्मृति। लेकिन मूल यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मूल है परमात्मा की स्मृति गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इतने वर्डली इंगेज्ड हो जाते हैं, संसार में इतने ज्यादा इंगेज हो जाते हैं कि वो जो परमात्मा को आप कह करके आए थे कि अभी आ रहे हैं और हम तुरंत पहचानेंगे और आप हमें अपने में मिला लेंगे, यहाँ क्या हुआ? यहाँ अब उनकी पहचान छोड़िए, अब तो जगत में कार की पहचान करने लगी है, जुट गए। क्या होगा? आप परमात्मा की स्मृति से विमुख हो जाएंगे। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, नश्यति नहीं कहा, प्रणश्यति यानी सर्वविध विनाश हो जाता है। विनाश भी कुछ ठीक है, प्रणाश हो जाता है, प्रकृष्ट रूप से नाश हो जाता है। अर्थात एक बार पटरी से रेल उतरी कि फिर 84 के चक्कर को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, और मनुष्य की योनि प्राप्त होगी तब जाकर के आप अपने संस्कारों के आधार पर धीरे धीरे फिर से अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होंगे। इतना मुश्किल है अध्यात्म, उदाहरण समझ में आया? नहीं तो हम तो यही समझाते रह जाएंगे।
हमें वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मोह की बात हुई, ये मोह है क्या? देखिए वास्तविकता ये है, ये जो आसक्ति हमने कहा जाए तो विषय संघस्तेषु जायते, वो जो संघ है आसक्ति है वो क्या है? पहली बात तो ये कि सोने और जगने का जो तात्पर्य लौकिक में है वो अध्यात्म में तात्पर्य नहीं है। आध्यात्मिक जो जगने का तात्पर्य है वो ये है कि संसार की वास्तविकता को आप जान सके। संसार की जो वास्तविकता, संसार की वास्तविकता है क्या? संसार की वास्तविकता ये है कि अब हम आपको कहें, कोई एक आध हीरोइन का नाम बता दीजिए, नहीं तो हम पुरानी वाली बताएंगे आप तुम तो मुमदान तो भी खुल गया। अरे वो पता नहीं जीवित भी है कि नहीं, बेचारी तो गई अभी भी नहीं पता है। अच्छा चलिए प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा के फोटो से विवाह करने को कहें तो करेगा कोई? और फिर उससे विवाह करके क्या आनंद की प्राप्ति की जा सकेगी? बोलिए बोलिए, हो पाएगा मुझका? मतलब ये मजाक करने लगे आप लोगों को, लेकिन बहुत ही रेलिवेंट उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इससे ज्यादा रेलिवेंट उदाहरण और कोई नहीं हो सकता शास्त्र में। अभी एक शास्त्र भागवत पुराण प्रियंका चोपड़ा कहाँ लिखी है, लेकिन उदाहरण ये क्या है? ये व्यास और समास की पद्धति है, जिस भाषा को आप समझ सके उसी भाषा में व्यास का कर्तव्य है कि बताए प्रियंका चोपड़ा के फोटो से विवाह करके कोई सुखी अनुभव कर सकता है? यदि कोई स्त्री है और हम उसको कहें कि अक्षय कुमार के फोटो से विवाह करके सुखी अनुभव करे तो कोई कर पाएगा? यही काम तो हम करोड़ों वर्षों से करते चले आए हैं। क्या संसार जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को अपना मान करके उसके साथ व्यवहार करते आ रहे हैं, और जो वास्तव में परमात्मा है बिंब, उसकी ओर उन्मुख होते ही नहीं है। प्रतिबिंब के साथ हम सुख का अनुभव करने का, तो ये सुख का अनुभव हो क्यों रहा है? अब अगर कोई मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो, मानसिक रोग से ग्रस्त हो, तो हो सकता है कि वो फोटोने से सब कुछ अपना प्रेम माल आप कर ले, लेकिन वो वास्तव में आप स्वस्थ व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा? बेचारा सनक। ऐसे ही जो जगा हुआ महात्मा है, जब हम लोग कहते हैं कि महाराज कृपा कर दीजिए, बहुत मन कर रहा है कि एक तो रेंज रोवर खरीद ले, तो वो क्या कहता है कि सतर्क रहिए। क्यों? क्योंकि ये महात्मा जगा हुआ है, वो स्वाप्निक जगत की बात नहीं करता। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा क्या, मोह निशाज यह हमने दूर किया हुआ है।